दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कैसे आप गूगल पे से 500 रुपये डेली के कमा सकते हो। और गाइज, उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा खासा आपका रिस्पांस आया था, बहुत ही अच्छा आपने सपोर्ट किया उस वीडियो को, इसके लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और गाइज, उस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक ही कमेंट आ रहा था, कॉमन कमेंट आ रहा था कि हमें कैशबैक क्यों नहीं मिल रहा, हम किसी को पैसे भेज रहे हैं तो स्क्रैच कार्ड क्यों नहीं मिल रहा, और हम इन्वाइट किसी को करते हैं तो हमें रिवार्ड गूगल के द्वारा क्यों नहीं मिलते हैं, आखिर क्या रीज़न है कि हमें कैशबैक क्यों नहीं मिलता, स्क्रैच कार्ड क्यों नहीं मिलता और हमारा रिवार्ड क्यों नहीं मिलता है, हम इनवाइट किसी को करते हैं तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा है इनवाइट करने पर, स्क्रैच कार्ड क्यों नहीं मिल रहा, हम किसी को पैसे भेज रहे हैं तो क्यों स्क्रैच कार्ड नहीं मिल रहा, हम क्या गलतियां कर रहे हैं, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पुरानी वाली वीडियो देखना है कि गूगल पे से कैसे 500 रुपये डेली कमा सकते हो, उस वीडियो में मैंने पूरा ट्यूटोरियल बता रखा है, अगर उसको देखना है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक दे दूंगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, हो सकता है अगली वीडियो में उसको भी आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला रीज़न है कि जब हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं UPI के थ्रू तो हमें स्क्रैच कार्ड क्यों नहीं मिलते हैं, हम क्या गलतियां करते हैं कि हमें स्क्रैच कार्ड क्यों नहीं मिलता है। तो आप गलतियां क्या करते हो, किसी एक ही बंदे को बार बार पैसे ट्रांसफ़र करते हो, ऐसा नहीं होता है, आपको कुछ दिन गैप करके पैसे भेजना होता है, जैसे 2-3 दिन गैप करके भेजोगे तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। अगली बार से जब भी आप किसी को मनी ट्रांसफ़र करो UPI के थ्रू तो 2-3 दिन गैप करके करो, इससे आपको 100% कैशबैक मिलेगा। और जब भी आप मनी ट्रांसफ़र करो तो एक बार ऑफर चेक कर लो कि कितना भेजने पर कितना तक का स्क्रैच कार्ड मिल सकता है। तो गाइज, दूसरे रीजन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है स्क्रैच करने पर, तो मैंने गूगल के हेल्प से चैटिंग किया कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्यों आ रहा है, इस टाइम कोई भी हम स्क्रैच कार्ड स्क्रैच करते हैं तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्यों आ रहा है, उन्होंने कुछ बताया है तो उस चैटिंग को ही दिखा दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। पहले आप इस रीजन को देख लीजिए कि हमें रिवार्ड और स्क्रैच कार्ड क्यों नहीं मिलते, फिर उसके बाद आप चैटिंग देख लेना कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्यों आता है। मैंने गूगल के हेल्प से चैटिंग किया है, पूरा मैंने उनसे बात किया है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम क्यों आ रहा है इस समय स्क्रैच कार्ड के अंदर, तो उसको आप इस वीडियो के लास्ट में देख लेना। पहले आप देख लीजिए कि रीजन क्या है कि हमें कोई रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा। तो चलिए दूसरे रीजन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा दूसरा रीजन है कि हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें रिवार्ड क्यों नहीं मिलता है गूगल की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि गूगल एक इनवाइट का 101 रुपये, 111 रुपये या फिर 51 रुपये, कभी कभी तो 201 रुपये ऑफर के हिसाब से रहता है, कभी कभी आपको 201 रुपये तक मिल जाता है। अब आप कहोगे कि मैंने तो इनवाइट किया था फिर भी मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिला, तो आपको बता दूं आपको इनवाइट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है जिसको आपने इनवाइट किया उसको करना है, यानी कि उसको अकाउंट बनाना है गूगल पे पर और उसको अपना UPI क्रिएट करना है। UPI क्रिएट करने के बाद कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना है, फिर उसके बाद जब भी कोई वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेगा जिसको आपने इन्वाइट किया है तब जाकर आपको रिवार्ड मिलता है। अगर वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, बस आपके कहने पर इंस्टॉल तो कर लेगा फिर उसके बाद उड़ा देगा, उसको अनइंस्टॉल कर देगा, तो आपको कोई भी रिवार्ड नहीं मिलेगा। उसको किसी से भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करना चाहिए तभी आपको रिवार्ड मिलेगा। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देख लो इस चैटिंग को जो मैंने गूगल हेल्प से किया था चैटिंग, कि क्यों हमारा बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ गया है।